अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉगर करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने बस तक। सो ये देखिए, यहाँ पे ना लग रहा है कि जैसे रात को ना बारिश हुई है, लेकिन मौसम अच्छा लग रहा था। जब मैं घर से निकली हूँ ना, तो ऐसे लग रहा था कि अभी सूरज निकलने वाला है। जो ही मैं बस स्टॉप पर पहुँची, इतनी जल्दी मौसम चेंज, मैं खुद हैरान होगी कि धुंध पड़ना शुरू हो गई इतनी जल्दी में। देखे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना ये जनवरी और दिसंबर और ये बस यही मंथ जा रहे हैं। मई का तो लग ही नहीं रहा कि ये मई का महीना है। सो ये देखे बारिश भी रात को हुई हुई है और धुंध पड़ी हुई है। और वैसे तो मौसम चेक किया था मैंने, तो वहाँ तो बता रहे थे कि आज ना सूरज होगा, लेकिन देखिए धुंध पड़ी हुई सुबह। शायद बाद में हो जाए, लेकिन सुबह सुबह के टाइम तो धुंध पड़ी हुई थी। सो ये देखे वेदर, तो वेदर का तो कोई आजकल समझ ही नहीं आ रही। सो यहाँ पे मैं घर वापस आई तो बेटी को उठाने की कोशिश कर रही थी, तो वो उठ नहीं रही थी। उस कह रही थी मुझे मामा ना उठाए, मुझे सोना है। लेकिन सैटरडे और संडे को इन्होंने कभी ये बात नहीं कही बच्चों ने कि हमें सोना है। और 5 दिन जो होते हैं उनमें इन्होंने यही कहता है, कहना होता है हमें सोना है। सो यहाँ पे मैंने इसे दूध दिया। मैंने कहा दूध देती हूँ, फिर इसकी आँख खुलेगी ना, दूध पिएगी। क्योंकि इसने सुबह माशाल्लाह बड़ी हो गई है, लेकिन दूध ना अभी फीडर में पीती है, और मैं भी दे देती हूँ क्योंकि ग्लास में फिर पीती नहीं है। तो मैंने कहा इस बहाने पी तो लेती है ना। खैर इसको उठाया, फ्रेश वगैरह किया, और ये मुझे ना वीडियो बनाने से ना आज मना कर रही थी। तो मुझे अब पता चला क्यों कर रही थी, क्योंकि उसने कहना था कि पापा मुझे उठाएं। सो यहाँ पे अभी मैंने नीम गर्म पानी किया अपने लिए, और साथ में मैं डालूँगी 3-4 कतरे लेमन के, और इसको मैं पीऊँगी खान नाश्ते से पहले। तकरीबन थोड़ा टाइम मैं पहले इसको पी लेती हूँ। सो यह डेली पीना चाहिए। सो यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी थी पराठा। हस्बैंड मुझे कह के गए थे कि आने से पहले ना नाश्ता बनाना, तो वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं जब जाते हैं बेटी को छोड़ने, तो मेरे आने से पहले नाश्ता बना देना। तो मैं नहीं बनाती कभी उनके, कभी बना देती हूँ, कभी उनके आने में शुरू करती हूँ। तो आज मैंने इतना वो किया कि फटाफट शुरू कर दिया और सब कुछ मैंने रेडी कर दिया उनके आने से पहले, और वो उतना ही लेट हो गए। मेरा सारा नाश्ता बनाया हुआ ठंडा हो गया। सो ये देखिए, आज मैंने रोटी के नीचे घी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने मना किया था कि मेरी जब मेरा पराठा बनाओ तो ऊपर नहीं घी लगाना, नीचे लगाना है। पता नहीं ये क्या ट्रिक थी, मुझे भी समझ नहीं आई। मैंने कहा चले आज करके देखती हूँ, लेकिन खैर मुझे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। नीचे लगाया तो वो वैसे ही बन गया पराठा, लेकिन उनको लगता है कि शायद ना नीचे जब घी लगाए ना, तो फिर वो कहते हैं ना मेरे पराठे को घी कम लगाया करो। तो वो मुझे लगता है कि उनका ये सोच है कि अगर नीचे को लगाएंगे तो मुझे कम लगता है। खैर मुझे तो कोई फ़र्क वाजिया नज़र नहीं आया। यहाँ पे हस्बैंड के लिए अंडा साथ बनाया, अपने लिए बनाया, उनके लिए पराठा किया, अपने लिए ब्रेड किए, और ये सारा नाश्ता मैंने रेडी करके रखा हुआ। और 2-3 मिनट हो गए मैंने रेडी करके रखा हुआ, और वो अभी तक नहीं आए। वरना मैं बना रही होती हूँ और वो आ पहुँचते हैं, घर यूँ जाते हैं, यूँ घर आ जाते इतनी जल्दी। लेकिन ये देखिए मेरी चाय सारी अब 10 मिनट हो चुके हुए थे, अंडा भी सब कुछ ठंडा हो चुका था, और मैं खुद कर भी नहीं रही थी, उनका वेट कर रही थी। ये देखिए कुर्सी खाली, उनका इंतज़ार कर रही है। खैर चाय तो बिल्कुल ही अब ठंडी हो चुकी है, अब तो मुझे ना इसको गर्म करना पड़ेगा। खैर देखते हैं। यहाँ पे अभी बेटी नाश्ता तो हमने दोबारा गर्म किया और फिर किया, और यहाँ पे बेटी के लिए मुझे वो उठी तो उसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। यहाँ पे आज हस्बैंड घर थे, तो मैंने कहा मुझे कुछ चीज़ें लेनी है तो चले ना मुझे ले जाए। यहाँ पे आए तो ये आज ना नई जगह, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। जिमल तो देखे आते ही ना, बस जो ये दरवाजे पे रखे हुए थे। खैर इसको मैंने बोला आओ आगे जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं ना। मुझे यहाँ से ना कुछ चीज़ें लेनी थी, तो ये मॉल तो मुझे ये देखना अजीब सा लगा। ऐसे था जैसे ना गलियाँ थी और गलियों के साथ साथ मार्केट्स हैं, लग ही नहीं रहा था मार्केट, रश भी बिल्कुल नहीं था, सुनसान पड़ा हुआ था। हमने कहा पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। खैर यहाँ पे ना जेंट्स के कपड़े मुझे अच्छे लगे थे। बच्चों के भी अच्छे थे, गर्मियों के तो होते ही अच्छे मज़े के हैं बच्चों के कपड़े। ये देखे मैं तो बस ऐसे ही देखे, कोई लेने का भी इरादा नहीं है क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं चल रहा। ये शर्ट ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वाइट
और सिंपल सी है, देखे हैं वाइट और शॉकिंग पिंक ना, अच्छी थी। खाली ये शर्ट ना 30 यूरो की थी। सो यहाँ पे आ गए अभी ये मार्केट में ऐसे ही बस देखने के लिए चीज़ें आ गए ना। वैसे तो हमें ना टीवी देखना था, तो हमने ना काफ़ी टाइम से हमारी नज़र है टीवी पे और लिया ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। खैर जब हमारे पास था ना तो दो टीवी तो ये हुआ था स्क्रीन बच्चों ने तोड़ दी और एक हमारी गुम हो गई। हमने तब उसकी कदर नहीं की, अब नहीं है घर में तो अब बच्चों को भी अक्सर पूछते रहते हैं और मैं भी चाहती हूँ ले ले। एक तो बंदा चले सुबह तलावत वगैरह लगा देता है, दूसरा बच्चों को कार्टून वगैरह लगा के देता है, टैब ले ले के ना मुँह के आगे रख के बैठी होती हैं। और ड्रामा वगैरह देखना हो ना तो टीवी पे ही मज़ा आता है, टैब में या मोबाइल में तो इतना। मैं तो ड्रामे देखने ही छोड़ दिए हैं जबकि मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किए, वरना मैं इतने ड्रामे देखा करती थी। ये देखिए इधर हम प्राइस चेक कर रहे थे, ये तो काफ़ी ज़्यादा इनकी प्राइस थी ना। ये मार्केट वैसे भी ना महंगी थी, तो हम ऐसे बस आए थे तो गुजरते गुजरते देखने लग गए थे। ये सारा फ्रिज पड़ा हुआ है छोटा बड़ा, माइक्रोवेव ये पड़े हुए हैं, ये चूल्हे थे सारी, ये मशीन। ऐसे मैं देख रही थी, लेना तो कुछ नहीं था, मैंने कहा आए हैं तो देख के तो जाएं, चलें किसी किसी को कुछ पसंद आ जाता है मेरी वीडियो से, किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाती है। ये देखें ये आटा गूंदने वाली मशीन ना। हमने कहा चलें कुछ नहीं लिया तो चलें कॉफ़ी ही पी लेते हैं। यहाँ बैठ के हमने कॉफ़ी पी रहे थे, जिमल देखे पानी, बच्चों को तो पानी नज़र आ जाए ना तो ऐसे पीते हैं जैसे पता नहीं कितनी प्यास लगी होती है। साथ में मैंने एक छोटा सा केक ले लिया। कैपुचिनो जब मैं पीऊँ ना तो मैं साथ मीठा कुछ ज़रूर लेती हूँ, चाहे कोई छोटी सी ब्रियोश हो जाए या केक छोटा सा हो जाए। कैपुचिनो वगैरह पी तो यहाँ पे भाई निकले, ये देखिए कितने प्यारे से सोफ़े लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कोई रश नहीं था, लोग ही नहीं थे, पता नहीं हम अकेले ही देखे घूम रहे थे पूरे मॉल में। ये पेप्को आ गई मैं, जब हम भाई निकल गए ना तो फिर ऊपर मैंने एक बोर्ड देखा पेप्को का, तो मैंने कहा मैं तो कहीं पेप्को नज़र नहीं आई, तो मैंने फिर वापस गई और देख के आई। मैंने कहा देखूँ तो सही, शायद भरी हो ना, हमारे गांव में है एक वो छोटी सी है। मैंने कहा ये मॉल इतना बड़ा है तो हो सकता है इसमें भरी हो, फिर हम इसको स्पेशल देखने आए। बच्चों के कपड़े देखे अच्छे लगे हुए थे घर में पहनने के लिए ना, हाँ, और प्राइस भी अच्छी थी, गर्मियों के थे, अच्छे थे कपड़े लगे हुए यहाँ पर। मैंने कहा देख के जाती हूँ, अगर पसंद आ गया ना तो फिर ले लेंगे। खैर ये देखे सारे ये लड़कियों के हैं, लड़कों के भी हैं, बड़ों के भी कुछ थे। डेकोरेशन की चीज़ें जो होती हैं घर की वो भी सब यहाँ से पेप्को से, यहाँ टैडी मार्केट, इन दो मार्केट्स में ना अच्छी मिल जाती हैं चीज़ें घर में। ये जो बूढ़ी कलर होता है ना, ये तो आजकल पता नहीं फैशन में आ रहा है। बड़ी मार्केट्स में ना मैंने ऐसे क्लोथ देखे आजकल ना, ये बड़ों के और बच्चों के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये सारे ना डेकोरेशन की चीज़ें, लेनी तो नहीं थी, बस मैं आ गई देखने के लिए कि चले आइडिया हो जाएगा क्या क्या इस यहाँ पे या कैसी चीज़ें हैं। शार्क नज़र आ गई जी जिमल को, वो इसके साथ खेलने लग गई। जब मैं पेमेंट करवाने लगी ना तो इसे ये नहीं कि जब इसने ये पसोजिनो पकड़ी ना तो इसके पापा इसको उठा के बाहर ले गए। फिर ये इतना रोई, तो मैं पेमेंट करवा रही थी और फिर मैंने पेमेंट करवाते वापस गई और मैंने जाके ना लेके आई इसके लिए। और ये इसकी पेमेंट जब करने लगी तो मैंने उसे ना, मेरे टोटल बने थे 17 यूरो, लेकिन उसने, मैंने उसे 50 दिए थे यूरो और उसने मुझे ना 10 कुछ वापस कर दी। जब उसने किए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ तो हुई, लेकिन खैर मैं आ गई। मैंने जो उसने मुझे रसीद दी थी ना, मैंने उस पर वहीं खड़े होकर देख लिया, तो वहाँ पे प्राइस थी 17 यूरो ही थी, लेकिन उसने मुझे 10 कुछ दिए वापस। तो मैंने वहीं रुक के उसे जब पूछा तो कहती है नहीं मैंने तो तुम्हें क्या 30 कुछ नहीं दिए। मैंने कहा नहीं नहीं तुमने मुझे 10 कुछ दिए हैं, ये देख लो मेरे बैग में भी नहीं थे, क्योंकि मैंने ले के ऊपर ही बैग में रख दिए, लेकिन साइड वाली जो पॉकेट थी उसमें मेरे कुछ और पैसे थे। लेकिन मैंने कहा कहीं मेरा बैग ही ना चेक कर ले, लेकिन खैर उसने नहीं किया और उसने मुझे मेरी बात पे यकीन कर लिया और मुझे फिर 30 यूरो वापस किए, 30 कुछ दिए ना। खैर मैंने कहा पसोजिनो के चक्कर में इतना कंफ्यूज हो गई थी।
खैर इनसे भी गलतियां हो जाती हैं, जो रसीद देते हैं ना उस पर एक दफ़ा नज़र मार लेनी चाहिए। लेकिन जितने पैसे बनते हैं ना तो वो तो मैं देख लेती हूँ, उनकी मशीन पे नज़र आ जाते हैं कि इतने आपके पैसे ये बने हैं। लेकिन चलें रसीद से भी देख लेनी चाहिए, और जो हाथ में हो पकड़ के फ़ौरन बैग में नहीं रखने चाहिए। खैर इनसे भी हो सकती है मिस्टेक। हालांकि कंप्यूटर में सारे काम होते हैं तो ये नहीं कंप्यूटर गलत नहीं हो सकता, वो भी गलत हो सकता है। ये देखें, अभी मैंने घर आई थी, ये प्लेट्स मैं लाई थी बच्चों के लिए ना, जैसे पिज़्ज़ा के लिए या मसल के कुछ चीज़ों के लिए जो ब्रेड वगैरह रखने हो, तो बच्चों के लिए मैं 3 प्लेट्स लाई थी तीनों के लिए ना। तो पर मैंने इन्हें धो के इनमें इनको पिज़्ज़ा आके घर जब आई थी तो बेटी को हमने वहीं से रास्ते से लिया, और फिर आके इनको बस मैंने ना ये जो मिनी पिज़्ज़े थे जल्दी जल्दी गर्म करके दोनों बहनों को दे दिए। मैंने कहा बोर हाल कोई नहीं है, खाने का तो सारा टाइम गुजर गया। ये देखिए, अब जिमल तो वैसे ही ये डोल को तो कोई पूछता नहीं है, घर में सारा दिन रुलती रहती बेचारी। आज इसकी भी कदर हो गया, जिसको कपड़े पहनाए गए परसों जिन्हों पे रखा, और आज तो इसको बिठा के साथ खाना खिलाया जा रहा है। मैं ये जिम खाने की वीडियो इसलिए यहाँ बना रही हूँ कि इसका ना इतना पता ही नहीं चलता। मुड़ के देखो ना तो इसने कोई और कपड़े पहने होते हैं, मुड़ के देखो तो और होते हैं। मेरी वीडियो में भी अक्सर ये होता है कि ये 2-3 क्लोथ में नज़र आ रही होती है, और मैं सोचती हूँ कि शायद लोग समझेंगे कि ये और दिन की वीडियो है और ये और दिन की होती है, उसी दिन की है। ये देखिए अभी फिर ये एक दिन की सारी वीडियो है। ये इतने कपड़े चेंज करती है, उतार कभी शर्ट उतार के चेंज कर लेगी, कभी नीचे पैंट चेंज कर लेगी, इसका यही चलता है। अभी जिमल लेके आई हुई थी परसों जिन्हों, मैं भी घर में बोर हो रही थी, इतना लंबा दिन हो गया था। अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा था, सुबह धुंध पड़ी हुई थी, अभी सूरज निकला हुआ था। इनको हम लेके पगडंडी चले गए। हमने कहा इस ये खाने की तो परसों जिन्हों गैराज में पहले की पड़ी हुई थी, तो ये आज लेके आई थी। हमने कहा चले इनको ना ज़रा बाहर घुमा के आते हैं, घूम के आते हैं। खुद भी मेरा इना दिल कर रहा था, प्लान कोई और बनाया था घूमने का, लेकिन बन फिर कोई और गया, हस्बैंड कहीं चले गए तो फिर वो लेट आए। तो फिर मैंने कहा चलो चलते, पहले उन्होंने मुझे कॉल की है कि आ जाओ, मैं फारिग हो गया हूँ तो तुम आ जाओ इनको पार्क लेके ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं पार्क नहीं जाना चाह रही, मैं जा रही हूँ कि पगडंडी जाए ना, वहाँ बच्चों को घुमा के आते हैं। फिर वो घर आए तो वो हमें लेके आए। यहाँ फाइनली ये हमारा एंड होता है, यहाँ हम आके बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे अब बच्चे थोड़ा सा खेलेंगे, साइकिल सुकल चलाएंगे। आज तो मैंने भी वैसे साइकिल चलाया। ये देखिए जंगल टाइप लगता है ये तो जगह, लेकिन अच्छी है, मज़े की जगह है। ये देखिए फाइनली हम घर आ रहे हैं, वापसी देखिए हम कैसे आ रहे हैं। बच्चों ने मुझे दे दी, पर खानी भी थकी हुई थी, तो जिमल कहती है चलो मामा आप मेरी पकड़ लो, मैं खानी वाली चला लेती हूँ। अभी मेरे से ले रही थी कि मामा आप दे दो, मैं अपने बाबा को पकड़ाने जा रही थी। मैंने कहा ये सही है। वापसी पे तो जाते हुए तो इतना खुश खुश गई हैं ना दोनों बहनें, और वापसी पे दोनों ही थकी हुई थी। जिमल ने ये चलाई नहीं थी तो चलो इसके शौक में ये चलाने लग गई थी। अब हम जा रहे थे यहाँ से वापस घर। खानी देखे फुल थकी हुई थी, क्योंकि हम ना इस बड़ी पर सजीनों लाते हैं तो ये कभी छोटी बैठती है कभी बड़ी बैठती है, आज मैं वो नहीं लाई थी। अभी खानी को उसके पापा ने उठा लिया था, और जिमल ने ये पीछे मुड़ के देख लिया तो उसने कहा बस जी ये क्या हो गया। अब उसने कहा पापा मुझे भी उठाएं, उनके पापा ने ना दोनों को ही उठा लिया, और परसों जी ने तो मैं चला रही थी। अब ये देखे बच्चों की जो परसों जी ने छोटे उनको मैं चला रही थी करेलो। ये देखे ये हमारे घर है, मैंने जूम करके दिखाया है, ये बिल्डिंग जो है ना हमारा यहाँ पे घर है। घर वापस आए तो आते ही बेटी की कॉल आ गई थी खानी की, वो यहाँ पे ना सबक पढ़ने लग गई थी, काफ़ी दिन से ना उसका सबक नहीं हो रहा था। तो आज भी हमें लगा था नहीं होगा, लेकिन जब हम घर पहुँचे तो कॉल आ गई। यहाँ पे अभी खाना वगैरह दूँगी बच्चों को, और बच्चों को बड़ी बेटी को होमवर्क भी अभी करवाना है। यहाँ पे अभी वो मैथ का कर रही थी होमवर्क, इसे होमवर्क करवाना था, क्योंकि यही कह रही थी हम तो वहाँ और थोड़ी देर बैठ जाते। बड़ी बेटी ना स्टडी में माशाल्लाह ना काफ़ी ध्यान देती है, तो कहती है मामा घर चले मुझे होमवर्क करना है, और मेरा टेस्ट भी है ना तो मुझे वो भी तैयार करना है। तो घर आए तो मैंने कहा पहले ऐसे करो होमवर्क कर लो, तो बाद में बैठ के ना अपना टेस्ट तैयार करना। साथ में यहाँ बना रही थी बच्चों के लिए सेवइयाँ। आज मैंने वैसे खाने में घर में कुछ स्पेशल नहीं बनाया हुआ था, तो मैंने बच्चों से छोटियों से पूछा सूप बनाने पीना है तो मैं वो बना दूँ, वो इसको ना सूप कहती हैं।
तो बच्चों के लिए मैंने सूप बनाया। तो ये वाली मैंने अपने लिए थोड़ी सी निकाली थी और यहीं पे मैं करूँगी वीडियो का एंड। तो मैं साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो लाजमी देखा करें, फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और जो नया आए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाए। और हाँ, बस मैं यही चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।